हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, आज मैं बनाऊंगी बर्गर किंग स्टाइल बर्गर, वो भी घर पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ना सामान सारा निकाल के रखा है जो भी मुझे चाहिए। तो पोहा, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, ब्रेड क्रम, आलू, बर्गर बंस, मेयोनीज, तंदूरी सॉस एंड बटर। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जो हमें चाहिए, तो वो आपको बाद में पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए होगा। आलू ना बहुत ज़्यादा बॉइल हो गए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मैश हो रखे हैं, बट इट्स ओके, हमें वैसे ही मैश ही करना है इनको। सो गाइस, मैं ना अभी पहले प्याज कट कर लेती हूँ, क्योंकि पहले हम टिक्की बना लेते हैं, उसके बाद उसको असेंबल करेंगे। तो उसके लिए हमें प्याज तो चाहिए होगा, हरी मिर्च लहसुन वगैरह को कट कर लेती हूँ पहले, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया इन सबको कट कर लिया है अच्छे से छोटा छोटा, और अब हम क्या करेंगे ना, अपनी स्टफिंग बनाना तैयार करते हैं। स्टफिंग यानी कि टिक्कियां बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले उसके लिए हमें आलू चाहिए होगा ना, तो वो तैयार कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने गैस पे पैन रख दिया है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं डालूंगी ऑयल। साथ में डालूंगी बटर इतना। थोड़ा सा और डाल देती हूँ कि बटर से ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। गाइस, अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन। पहले इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। गाइस, जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है, मैं पोहा को वॉश कर लेती हूँ। मैं भूल गई थी इसको वॉश करना, क्योंकि इसको भी हमें आलू के अंदर मिक्स करना है। और इसको हम मिक्स इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारे आलू होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है, जिसकी वजह से हम उसको फ्राई करेंगे ना तेल में, तो सारी टिक्की हमारी निकल सकती है। मतलब जैसे हम उसको सेट करेंगे तो बिखर जाएगी, तो इसलिए इसको मिला देंगे ना, तो वो थोड़ा सा सेट हो जाएगी। और अगर आप पोहा नहीं डालना चाहते हो तो उसके अंदर ना वो डाल सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, भूल गई, हाँ कॉर्नफ्लोर डाल सकते हो। लेकिन कॉर्नफ्लोर से ना थोड़ा आटे आटे जैसा टेस्ट आता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता। पर आप पोहा यूज करना, पोहा डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये ना हमारी मतलब ये बाइंडिंग अप का काम करता है एक तरीके से, तो बाइंडिंग में ये हेल्प करता है। तो इसे पहले इसको वॉश कर लेते हैं और फिर इसको इसके अंदर ही मिक्स करेंगे। तो गाइस, मैंने पोहा को ना अच्छे से वॉश करके ड्रेन ऑफ कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर दूंगी उसके अंदर ऐड करने से पहले, लाइक दिस। तो गाइस, मैंने इसको मैश कर लिया है, अब इसको साइड में रखते हैं। जब हम आलू ऐड करेंगे ना, तब इसमें ऐड करेंगे। मेरी प्याज जलने लगी है, तो जल्दी से उसको पहले चेक कर लेते हैं। ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं।
गाइस अब इसमें आलू ऐड करने हैं, लेकिन हमें आलू ना इस तरीके से ग्रेट करके ही डालने हैं। एक्चुअली गाइस मुझे पता ही नहीं चला मेरा फ़ोन कब बंद हो गया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हीट हो गया था जिसकी वजह से ये ना बंद हो गया, तो मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए थे। फिर जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक किया तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। मैंने इसमें नमक डाला था, मिर्च डाला था और ब्लैक पेपर, चाट मसाला और बस। आप इसमें कुछ और चीज़ें भी, जो भी आपको मसाले पसंद है वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो, मैंने बस यही मसाले ऐड किए हैं। तो गाइस आलू बिल्कुल रेडी हो गए, अब इनको क्या करना है निकाल के फ्रिज में रख देना है, जिससे क्या होगा ना ठंडे हो जाएंगे और थोड़े से टाइट हो जाएंगे और हमारी जो पैटी है ना उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। को 15 मिनट्स के लिए रख देते हैं फ्रिज के अंदर। गाइस मैंने आलू को ना फ्रिज में रख दिया, लेकिन उसकी कोटिंग के लिए स्लरी चाहिए होगी, तो वो स्लरी तैयार कर लेते हैं जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं। तो मैं पहले इसमें थोड़ा मैदा डालूंगी। इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा फूड कलर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, नमक, पानी, गाइस स्लरी बनके हो गई रेडी। इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ आपको, तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रहेगी, ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा थिक होगी ना तो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आ जाएगी और वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो गाइस आलू ठंडे हो गए, अब इसकी टिक्की बना लेते हैं और फिर इसको फ्राई कर देंगे। बहुत गर्मी लगने लगी है किचन में। पहले टिक्की को ना इसके अंदर कोट करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम के साथ कोट करेंगे, तो क्रंची वाला टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो एक टिक्की उठा रही है, सेकेंड गाइस ये मैंने बनाकर रख लिया है, इसको अच्छे से कोट कर लिया है, तो अब इसके अंदर ना फ्राई करेंगे इसको और उसके बाद इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे।
तो गाइस जब तक टिक्की फ्राई हो रही है ना, हम अपने बंस को यहाँ पे सेक लेते हैं पैन में। लगाऊंगी बटर, गई सब कुछ रेडी है। अब बारी है इसको सैंपल करने की, तो हम पहले अपने बर्गर्स को सैंपल करेंगे। तो इधर मैं लगाऊंगी मेयोनीज, एक साइड लगाएंगे टमाटो केचप थोड़ा सा, रखेंगे इसके ऊपर अपनी टिक्की। प्याज, खीरा, सिक्योर्स के साथ गैस हमारा बर्गर बनके हो गया है रेडी। तो गाइस फाइनली बर्गर बनके हो गए रेडी। अब बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको बनाने में, क्योंकि एक्चुअली वीडियो भी शूट करना होता है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। एंड अब मुझे वेट नहीं हो रहा है इनको खाने का, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूरा पसीना पसीना हो गया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।